चैनल, मैं हूँ अर्चना, ये है जीत। तो कैसे हैं आप? तो आज हमारी मतलब और 2 घंटे के बाद जिस दिन ये वीडियो पोस्ट होगा हमारी 8th मैरिज एनिवर्सरी है, 8 साल। मजाक में 8 साल हो गए नहीं, बट ऑफिशियल वाले हैं। हाँ एग्जैक्टली आज से 13 साल पहले हम लोग पहली बार 1 जुलाई 2007 को पहली बार मिले थे, एक दूसरे को देखा था। मिले नहीं थे भाई, बस देखा था। और उन्होंने मेरे को गुस्से से देखा था, मैंने प्यार से देखा था, ये डिफरेंस है। उसके एग्जैक्टली 5 साल के बाद 2012 को हमारी शादी हुई 1 जुलाई को, एंड 8 साल हो गए शादी को। हम लोग बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं, एंड आप लोगों के साथ हमने अब हमारी वेडिंग स्टोरी शेयर कर ली है, एंड हमारी कुछ शादी के टाइम पे कुछ शायद मोमेंट्स उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों से शादी हुई थी, एक्चुअली 80-90% लोग खिलाफ भी थे। आई थिंक जीत अगर स्ट्रांग नहीं रहते उस टाइम पे तो शायद शादी होती भी नहीं। मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो अपने आप को शाबाशी दे रहा था। तो हुई शादी, जो भी हुआ शादी हो गई। उसके बाद आप लोगों को लग रहा होगा बहुत अच्छा सा एक फेरी टेल जैसा हैप्पी एंडिंग होता ना, वैसा हुआ होगा। तो वैसा कुछ नहीं हुआ था, शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। प्रॉब्लम हमारे बीच की थी, हमारे बीच में, ना हम तो समझते ही नहीं थे कुछ। मतलब क्या था, मुझे ना आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसान कौन है, ये तो जो फोन पे बात करता था वो कोई दूसरा इंसान ही, तो वो है ही नहीं। मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट ऐसा। मतलब एक्चुअल में अगर मैं आपको लोगों को जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, उनको मैं एडवाइस देना चाहूंगी, अगर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जब आप फोन पे बात करते हो एंड जब आप एक इंसान के साथ साथ में रहते हो ना, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा कम्प्लीटली डिफरेंट उस सेंस में नहीं, मेन बात यह है कि आई थॉट यू आर बीइंग हैप्पी। और ये बहुत ही दबी हुई सी है, सिर्फ दो जगह एक खूंखार होती है, एक अपनी माँ के सामने, एक मेरे सामने, उसके बाद ये पूरी दुनिया के सामने दबी दबी सी रहती है। तो इसने कभी मतलब जाहिर नहीं होने दिया शुरुआत के कुछ दिन में, जाहिर करने के लिए कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए ना, वो नहीं थी ना। मैं मेरे साथ क्यों कंफर्टेबल नहीं थी, मैं मतलब ऐसा होता था कि जैसे सुबह से शाम ये ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आने के बाद बस खा पी के सो जाओ, और वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ पार्टी, और दोस्तों के साथ ऐसा पार्टी। मतलब मेन प्रॉब्लम वो पार्टीज का इस तरीके से होता ना कि दो डिफरेंट अलग पार्टी चल रही थी, जैसे एक नीचे वाले फ्लोर पे, एक ऊपर वाले पे। ऊपर वाले फ्लोर पे सिर्फ बॉयज, नीचे वाले फ्लोर पे सिर्फ गर्ल्स। एंड गर्ल्स में क्या होता था, ज्यादातर गर्ल्स एक दूसरे को जानती होती थी, ये बेचारी नई नई आई थी, हाँ वाली। तो मैं जिसको जानती थी वो मेरे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खराब, हम लोग एंजॉय करते सब कुछ था, बट वो जो एक नए नए कपल के बीच में जैसे एक स्पार्क टाइप का होता है ना, वो नहीं था हमारे बीच में, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं थे ना। मैं मतलब समझने के लिए बताना पड़ता है, जो कि हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते थे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि क्या नहीं हो रहा है। तो शादी के कुछ मतलब इनफैक्ट हमने आई थिंक अपना हनीमून पीरियड में इतना, मुंह खोलोगे तो बताओगे ना, मुंह कभी खोला ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। तो धीरे धीरे फिर मैं इतना अच्छा आदमी को मुझे समझ में आना शुरू हुआ। शादी के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद मैं अपने मायके चली गई। होता है ना, नई नई शादी होके मायके जाओ तो वापस आने का मन करता है हस्बैंड के पास में, तो वो मुझे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे मुझे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे मुझे तुम्हारा मुंह, बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। तो शायद उनको रियलाइज हुआ, कुछ हुआ पता नहीं, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि तू डायरेक्ट दिल्ली मत आ, हाँ मुंबई आ, मुंबई में आऊंगा और मुंबई से हम लोग शिरडी जाएंगे। तो हम लोग मुंबई पहुंचे, मुंबई में एक दिन रुके थे, उसके बाद हम लोग शिरडी ट्रेन से गए थे। तो वो जो ट्रेन वाला जो जर्नी था, वहां से फिर दिल्ली भी हम लोग ट्रेन में आए थे, तो हम लोगों ने काफी सारी बातें की, एंड आई थिंक वो हमारा जो एक टूर था जिसमें हम दोनों ने बहुत सारी बातें शेयर की थी, एंड थोड़ा सा एक दूसरे को समझने लग गए थे, है ना। थोड़ा सा नहीं, समझते तो पहले भी थे, मेन बात मतलब हमारे, देख मैं अभी भी बोल रहा हूं, द प्रॉब्लम वाज दैट we were not talking to each other much because we were not getting a privacy, है ना। तो every time you are in the public, चाचा ताया मामा इसके घर पे खाने, दुनिया से बहुत डर लगता था हमें, है ना, वो ओढ़नी डाल के, बिल्कुल ये सर पे पल्लू डाल के, मतलब थोड़ा सा ऐसे बात करने में, अरे वो क्या सोचेगा अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे। इनफैक्ट मैं कोई किसी ने ऐसे बोला भी था कि कपल्स खाली बेडरूम में अच्छे लगते हैं, बाहर आप अलग अलग रहो, ऐसे इस टाइप का। चलो जो भी हो, ऐसा किसने बोला था वो बाद में बताऊं, चलो ठीक है, वो ऑफलाइन ऑफलाइन पता करता हूं। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे हम लोग ऐसे करते थे, जैसे थोड़ा सा जब समझने लगे कि हाँ थोड़ा सा हमें
एक्चुअल में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो फोन वाला इंसान कम से कम वो बाहर निकल के आए, जो जितना फ्रीली हम लोग बात करते थे फोन में वो नहीं करते थे। तो धीरे धीरे ना हम लोग क्या करते थे ना, आप लोग बिलीव नहीं करो, घर वालों को भी ये सब बात पता नहीं, अभी पता चलेगी कि जब हम लोग शाम को ये ऑफिस से आते थे ना, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे कुछ आज बहाना बना के, चलो यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वहां बहाना बनाते थे, बट हम लोग कहीं नहीं जाते थे, गाड़ी में ही पार्किंग में बैठे रहते थे, गाड़ी में ही खाली बैठे रहते थे और बातें क्या करते थे, कुछ नहीं। जब फोन का कॉस्ट लगा के इतनी बातें की थी तो बिना कॉस्ट के भी जब फिर याद आया कि हाँ हम तो ऐसे बातें करते थे यार, वी वर सो गुड फ्रेंड्स, एंड हस्बैंड वाइफ बनने के बाद वी वर लाइक ना एक जैसे वो जो ना कठपुतली वाले रिलेशनशिप में आ गए, बट लेकिन धीरे धीरे बातचीत करके उसके बाद एक दिन क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। एक दिन ना इन्होंने बोला झूठ, मैं झूठ से पापा मम्मी को बोला कि इसका मेरा कोई एग्जाम है तो ये आएगी गुड़गांव तो बोल दे, अभी मम्मी देख रही होगी वहां पे बोलेगी कि अच्छा। तो इन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी एक दिन की, एंड सुबह सुबह मैं सर्दियों का मौसम, तो सुबह सुबह उठ के सारा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बना दिया, रेडी करके रख दिया कि मैं जा रही हूँ एग्जाम देने के लिए। एग्जाम कुछ भी नहीं था, हम लोग गए थे, मतलब शादी के बाद पति पत्नी लीगली पति सब कुछ होने के बाद भी हम लोग छुपके से गए थे। मैंने उस दिन ऑफिस से वन डे का लीव लिया था, सुबह बुलाया इसको मेट्रो से, बोला कि मैं एक काम करना घर के बाहर से मेट्रो से फटाफट आना और फिर मैं तो गुड़गांव में मिलता हूँ। फिर हमने दो या तीन मूवीज देखी, तीन मूवीज बैक टू बैक, क्योंकि हमें कहीं बैठना था, हमें पॉपकॉर्न मूवी, हमें ये भी डर था कि कहीं हमें देखना कोई देख, हम कितने बेवकूफ थे ना, देख लेगा तो क्या होता है, हम पति पत्नी तो। तो फिर भी हम लोग चुपके से बैठने के लिए मूवी थिएटर गए थे, बैक टू बैक तीन मूवीज देखी थी, इवनिंग को हम लोग वापस आए थे। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, मैंने एक व्हाइट कलर का सूट पहना था, मुझे अभी भी याद है, मुझे मतलब पता नहीं। तो धीरे धीरे ना फिर सर्दी के शायद 9-10 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग एक दूसरे को मतलब बताने लगे चीजें, बताया जब तक ये फरार हो गई वहां से मैसूर चले गई इसकी कैंपस प्लेसमेंट। जब मैं मैसूर गई थी ये तो पूरा हाँ मैं गया, तो मैसूर से वापस आने के बाद ही दोस्ती करते ना, तब तक पता नहीं चलता, अब वापस से दोस्ती होती। फीलिंग बताओ। हाँ अरे फीलिंग क्या, जबरदस्ती हुई फीलिंग, मैं वही बता रहा हूँ कि आई फेल्ट लाइक एक्चुअली मेरे से कुछ वो मूवी नहीं, जब भी जैसे ट्रेन छूट रही है वैसा वाला, मेरे को मन ही नहीं कर रहा था इसको छोड़ के आने का उस टाइम तक, क्योंकि हम लोग वापस से जो कहते हैं ना एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड में वापस मतलब जो हमारा फोन वाला बॉन्डिंग था जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट दिन में 5-5, 6-6 घंटे बिताया करते थे, वो बॉन्डिंग में वापस आ गया था रादर देन थिंकिंग ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इसको मैसूर छोड़ के आने का, बट इसका करियर था, शी हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स, एक फेज गया, बट मैसूर से वापस आते टाइम का हम लोग गए, मतलब मैसूर से पता चला कि अच्छा चलो ठीक है, अब दुबई का वो हो गया, बस फटाफट अब भुवनेश्वर भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, घूम फिर के और फटाफट एक नई जर्नी की तरफ को भागना है। तो क्या टूर मारे ऊटी गए फटाफट, ऊटी से वापस आए तो भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर से फिर वापस आके कहाँ पे वो कौन सा वाला जंगल था जो भी था मैं याद नहीं आ रहा, सरिस्का मतलब या फिर वो जैसलमेर, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ का, मतलब फिर फटाफट घूमते रहे, कश्मीर भी गए थे बीच में, हाँ फिर बैक टू नीचे छोड़ना। तो बड़ा मतलब इसमें मैं प्राइवेसी नहीं मिलती थी, इस वजह से हम लोग किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते, बट ये था कि हम लोग ये सब बातें ना किसी को बता नहीं पाते थे और एक दूसरे के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, इस वजह से ना मतलब एक अलग सा मतलब ऐसा कि बाहर सबको लगेगा कि बहुत खुश, बट अंदर हम लोग ना एक अजीब से रिलेशन में थे कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बीच में एक दो महीने का कुछ अजीब, बिकॉज हम पास ही नहीं थे ना बिल्कुल ही, इट इज लाइक यू नो ओनली यू नो पोस्ट डिनर यू गो टू योर रूम एंड ऑल दोस स्टफ, पूरे दिन भर दिन मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर इधर उधर भागा दौड़ी, और मेन बात है कि वीकेंड की जो पार्टीज होती थी उसमें हम लोग बिल्कुल भी मतलब वीकेंड जो टाइम स्पेंड करना चाहिए था वो हम लोग साथ में नहीं करते थे, एंड वीकडे तो हम सबका हेक्टिक रहता ही है। तो एनीवे जो भी जैसा भी था धीरे धीरे करके सब, क्योंकि शादी के बाद दो साल हम लोग इंडिया में रुके थे, उसमें से मतलब आप मैसूर और मेरा मैं के जाना वाना ये ट्रिप मिला के एक साल हटा दो, तो एक साल हम लोग साथ में थे, उसमें से हमने 9 महीने ऐसे ही गवा दिए थे जो कि मतलब इतना कुछ पता नहीं चलता था क्या है, तो 3-4 महीने हम लोग मतलब अच्छे से रहे होंगे, मतलब लेकिन 9 महीने सबसे कम, मतलब बीच में जब बॉन्डिंग हो गई थी ना तो मेन प्रॉब्लम हुई थी कि इसको छोड़ के क्यों आना है,
तो मेरे को एक्चुअली बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, करियर के आगे। तो जो भी हो, उसके बाद हम लोग दुबई आए। तो दुबई में एक्चुअली हमारा जो मतलब एक प्रॉपर जो एक फैमिली लाइफ, एक मैरिड लाइफ, वो स्टार्ट हुआ दुबई में आके। एंड पहला साल दुबई का हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मतलब ऐसे हम लोग आ गए थे, कोई भी सेविंग नहीं था, कुछ भी नहीं, शेयरिंग में रहते थे, कैसे पैसे बचाने, क्योंकि कुछ और घर पे नहीं बताता शेयरिंग में कैसे क्या रह रहे हैं क्या नहीं। वो सारा मतलब सारा स्ट्रगल जो है वो हमारी मैडम की वजह से सबको सक्सेसफुली निकला। जब हम लोग इंडिया में दिल्ली में थे ना, तो मतलब कुछ नहीं, घर में गाड़ी है, राशन आ रहा है, सब्जी आ रहा है, मैं बस खाना बना रही हूँ, ये ऑफिस जा रहे हैं, तो हाँ, और ऑफिस में कमाने के जो पैसे आ रहे हैं उसमें घुमाई फिराई हो रही है बस। जब सब कुछ घर से मिल गया है तो वो स्ट्रगल नहीं था, बट एक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ना वो आई दुबई में। एंड स्ट्रगल, एक्चुअल जब स्ट्रगल आपका होता है ना, तभी आपकी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो वो जो स्ट्रगल लाइफ हमने एक डेढ़ साल हमने जो किया है स्ट्रगल पूरा, कितने कम में रहे, कितना कुछ बचाए, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, उस सब में। और हम लोग पता है, हम लोग अंसार जल गया था ना, हम लोग बेंच पे बैठ के आइसक्रीम एक खाते थे कभी कभी, एंड घंटों बातें करते थे। और उस टाइम में भी ऑफिस से जल्दी आ जाते थे, मतलब टाइम से आ जाते थे, तो हम लोग बहुत, और गाड़ी देखा तो कहीं ऐसे जा नहीं सकते थे, मेट्रो में ज्यादा पैसे खर्च होंगे, टैक्सी में पैसे खर्च होंगे, तो घर के नीचे ही बैठ के इतने सारे हम लोग बातें करते थे उस दौरान ही। हमारी घर के नीचे मॉल होता था, मॉल के बाजू में बेंच वगैरह पे बैठ के, वो टाइम भी बड़ा डिफरेंट टाइम था, बहुत डिफरेंट। एंड उसके बाद मेरी जॉब लगी, फिर जॉब लगने के बाद भी मतलब फैमिली में बहुत ज्यादा, फैमिली से तो बहुत ज्यादा प्रेशर था कि शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चे नहीं कर रहे, बट हम किसको बताएं यार, हम तो एक दूसरे से शक्ल भी नहीं देखते थे। मतलब जैसे सुबह उठ के मैं चली जाती थी जॉब पे, तो मैं जल्दी जाती थी, तो जीत उस टाइम पे सो रहे होते थे। एंड जीत का भी स्ट्रगलिंग फेस था, तो वो रात लेट नाइट तक काम करते थे, जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं सो जाती थी, तो हम बस वीकेंड में मिलते थे। हाँ, उस टाइम पे हनी मनी होते थे, साले पकड़ के मारते हमें बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। लेकिन जब ऊपर वाले को भी लगा कि अब नाउ द टाइम हैज कम, तो उन्होंने फिर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उस हिसाब से। बट दैट हैज बीन द मोस्ट बेस्ट थिंग हमारे साथ में हो सकता है लाइफ में। वी आर सो ग्रेसफुल टू माता रानी ऑन दिस। बट धीरे 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 मतलब अब जैसा बॉन्डिंग है कि हाँ, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब लाइक नहीं, मतलब ओनली बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। पहले जैसा था कि कोई, मतलब आप ना जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो आपको बोलते टाइम सोचना ना पड़े, वैसा कंपेटिबिलिटी नहीं था। तो वो अभी नहीं है, मतलब अब नहीं है कि हाँ, बोलते टाइम कुछ भी सोच, जो भी मन में आया बोल दिया बस, इस वजह से आप कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। तू तो होती नहीं ऐसे, पता नहीं तो सबसे ज्यादा फटेबाजी तो बेस्ट फ्रेंड से होते हैं ना। तो ऐसा हमारा 8 साल का ऐसा रिलेशन, मतलब 6 साल मान लीजिए कि बहुत अच्छे से दुबई में गया है। एंड आगे को भी माता रानी की बहुत अच्छे से, मतलब अप एंड डाउन फेस तो सभी के लाइफ में आते हैं, बट हाँ, मतलब चाहे वो इमोशनली हो, हाँ वही तो बोलो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर जगह अप एंड डाउन होते हैं, बट एक जो रिलेशनशिप वाइज जो एक बहुत ही गाढ़ा बॉन्ड होता है ना, व्हेन यू एक्चुअली रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, यू नो डैम केयर फॉर ईच अदर, आप कोई भी एक, मैं तो लाइफ में पता नहीं, आई डू नॉट नो, कई बार मेरे को ऐसा लगता है, और स्पेशली घर वाले, ऑफिस वाले फैसले तो मैं सारे कर लेता हूँ, लेकिन घर में कुछ भी एक छोटी सी भी चीज करने को बिना मतलब, जैसे अच्छा जब तुम्हें कुछ चाहिए, ये चाहिए, मतलब भले ही मैंने डिसाइड भी कर लिया, तो तू खड़े होकर देख पहले मैं क्या सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मतलब इट इज लाइक, मतलब एक्सप्रेस, मतलब मैं एक्चुअल में जो बोलते हैं ना, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्ट्रगल आप देखते हो, तभी आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, एंड आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है। जैसे अभी भी थोड़ा सा हमारा अभी स्ट्रगलिंग चल रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था आप लोगों के साथ में ना, जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी, तो जो भी हो, बट वी आर टुगेदर, कि हम लोग हाँ एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, बट वो चीज पहले नहीं थी शादी के, मतलब जैसा हमने सोचा था कि हाँ हमारा तो 5 साल का रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मतलब बहुत अच्छा होगा। शादी से पहले तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन होता है, भैया इसने बोला मैं मोटरसाइकिल लेके पहुंच गया, यू डू नॉट, बट नाउ इट इज लाइक, यू नो ऑब्वियसली पहले तो ये अपने बाप के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं अपने बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब नाउ वी आर ईच अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी,
एक एक एंड हमारे दो दो और है रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनको निभाना मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी मेजर दो मतलब हमारे लाइफ का मतलब क्या बोलो लाइफ लाइन हमारे मेजर इसकी ऐसी जो तुतला तुतला के जो दिमाग खुलते हैं मेजर जल्दी 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 इनको अगर ब्लॉगिंग करने के लिए बोलो ना इनको ये तो पता नहीं क्या क्या तुतले मैं तो पहले पहले प्याल थे बहुत दिन तल दूंगा ना पहले पहले प्याल मैं आपको बोलूंगा मैं दो दिन तल दूंगा बता रहा हूँ एक टैनल तोल दो उसमें थोड़ा भाषण दे दो बोलते हूँ पर तुम नहीं रहे टैनल को मैं तोल दू तोलता हूँ तला दू मैं तोलू की वैसे बोलू मुँह से तोलू क्या आप ताते हो दीद का टैनल हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कमेंट डाउन बिलो अरे ये तो मस्त उतलाती है भाई तो हम लोग एक फनी वीडियो बना दे तोतला तोतली बन के क्या बोल रहे हो ना कौन कुछ ना कौन कुछ तो चलिए गाइस हम लोग बस डिनर विनर बना ये तीनों डिनर कर लेते हैं फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद बाय बाय टुडेज मैरिज एनिवर्सरी हूज मैरिज एनिवर्सरी Mama, Dada, Manager, Anniversary, are you happy? Yeah. So who will get the gift? Me. No. Why? Dada, Mama, Anniversary, so Dada, Mama will get present. See. Whose gift is this? What is this? Me. What is this? Me. Okay, sit there.